Dear students, I am going to explain today what is a Kirchhoff's law. मैं बताने जा रहा हूँ आज कि Kirchhoff's law क्या होता है, इसका फायदा क्या है ना? देखो, ये कि जब हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखते हैं ना, जैसे ये देख रहे हैं, तो हमें कई बार नहीं समझ आता कि सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, कैसे उसे सॉल्व करना है। ये तो चलो, ये वाला सर्किट तो सिंपल है। तो यदि आप इस सर्किट को देखो, यदि मैं कहूँ कि इस सर्किट में हर एक रेजिस्टेंस, हर एक आर्म का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो मुझे आप ये बताओ इस पॉइंट में और इस पॉइंट में रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आप चक्कर में पड़ जाओगे ना, सीरीज पैरेलल कैसे पता है? ऐसे यदि ये सर्किट है और ये इनफाइनाइट नेटवर्क है, मैं कहता हूँ मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में इस सारे इनफाइनाइट नेटवर्क का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो मुझे लगता है कि आप नहीं बता पाओगे। इसीलिए हम Kirchhoff's law की हेल्प लेने जा रहे हैं। Kirchhoff's law इसीलिए है सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि किस सर्किट में करंट वोल्टेज क्या क्या होंगी। ठीक है, तो इसके दो लॉ हैं। पहला लॉ जो है ना, इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट रूल को जंक्शन लॉ भी कहते हैं। तो आपको पता है कि जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है कि जहां पे कुछ एलिमेंट आके ना जुड़ते हैं, है ना? जैसे ये है, ये पॉइंट है, यहाँ से एक कंडक्टर ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ठीक है, एक ये आ रहा है, तो सारे कहाँ मिल रहे हैं? इस जगह पे। तो इस जगह को क्या कहेंगे? जंक्शन। तो जो Kirchhoff's का पहला रूल है, तो वो जंक्शन के लिए ही है, बस जंक्शन के लिए, अदरवाइज नहीं। और ये बेहद सिंपल है। कैसे सिंपल है? देखो, तो मैंने ये जंक्शन हो गया ना, तो एलिमेंट कितने? एक, दो, तीन, चार, पांच वायर्स आ रही हैं। ठीक है, पांच वायर में क्या हो रहा है? करंट आ भी रहा है, जा भी रहा है। जैसे ये करंट आ रहा है I1, ये करंट बाहर जा रहा है, जंक्शन से बाहर की तरफ है, ये जंक्शन की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, ये जंक्शन से बाहर जा रहा है। तो Kirchhoff's का ना पहला रूल ये कहता है, ये दो तरीके से आप कह सकते हो कि आप उन करंट को एंटर कर दो जो अंदर की तरफ जंक्शन की तरफ आ रहे हैं। तो कौन कौन सा आ रहा है? I1, और कौन सा आ रहा है? यू नो, I1 आ रहा है, I3 आ रहा है, और करंट कौन सा आ रहा है? ठीक है, I4 आ रहा है। कहते कि जो करंट एंटर हो रहा है ना, उसका सम कर लो। कहते वो बराबर होगा किसके? जो करंट बाहर जा रहा है। तो बाहर कितना करंट जा रहा है? I2 बाहर जा रहा है, प्लस, और कौन जा रहा है? I5 जा रहा है। बस ये हो गया जंक्शन रूल, कि उन करंट का सम कर लो जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, वो इक्वल होंगे उन करंट की जो जंक्शन से बाहर जा रहे। इसको ना एक तरीका और भी है, आप कह सकते, एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, कि सारे करंट को ऐड कर लो, पर अंडर कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या है? कि जो करंट एंटर हो रहा है उसको पॉजिटिव लेना है, जो बाहर जा रहा है ना उसको नेगेटिव लेना है। ठीक है, कन्वेंशन ये है कि I1 एंटर कर रहा है ना जंक्शन में, पॉजिटिव लेंगे, प्लस I1, I2 बाहर जा रहा है तो माइनस में लेंगे, I3 एंटर कर रहा है तो प्लस में लेंगे, I4 एंटर कर रहा है तो प्लस में लेंगे, I5 बाहर जा रहा है तो माइनस में लेंगे। इसे कहते हैं अल्जेब्रिकल सम ऑफ ऑल द करंट्स
meeting at a junction always equals to zero under convention. Current जो enter कर रहा है taken as positive, leave कर रहा है taken as negative. अब ये equation बन वही जाएगी जैसे मैंने पहले ये बताया, क्योंकि आप I2 को I5 को ना right side पे ले जाओ तो वो ही हो जाएगा कि current जो enter कर रहा है उनका sum equals to जो current leave कर रहा है उनका sum. तो दोनों तरीके हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे वैसे याद रख लेना. इट इज वेरी इजी कि आपको यहाँ पे करंट को टोटल करंट को जीरो लेना है कन्वेंशन के साथ. एंटर वाला पॉजिटिव में लेना है, जो बाहर जा रहा हो नेगेटिव में लेना. एक बार आप सोचो कि आपके जैसे मर्जी बना लो, मैंने एक दो तीन चार पाँच अच्छे दस एलिमेंट बना लो, जैसे मर्जी करंट शो कर दो, पर कन्वेंशन का ध्यान रखना है. तो लिख दो उसको, हो जाएगा. नाउ आई एम कमिंग द सेकेंड रूल. देखो सेकेंड क्या है, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि जब का सेकेंड रूल, लूप रूल को कैसे समझना है. वेरी इजी है, थोड़ा ध्यान देना. ये लूप में ही लगेगा, ठीक है. लूप क्या होती है, क्लोज्ड सर्किट. क्लोज में ना, जैसे ये सर्किट है, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये पॉइंट मैं कह लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच. तो क्लोज लूप क्या होती है, लाइक ये ऐसे ना, ये क्लोज लूप है. एक दूसरी क्लोज लूप मैं ये कह सकता हूँ, ये वाली है. कौन सी वाली, ये वाली. तीसरी लूप कौन सी है, ये टोटल है ना. तो तीन लूप्स बन रही हैं इसमें. तो तीनों में आपको मैं बताऊंगा कि किरचॉफ का सेकंड रूल कैसे अप्लाई होता है. वेरी इजी, ध्यान से सुनिएगा. देखो आपको ना चलना होता है, क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज, में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे मैं वैसे एरो ऐसे डाल दिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो. और यदि एक लूप में आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, ये नहीं है कि दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है, उसमें आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो. ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि यदि एक बार एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो सारी लूप में ऐसे ही चलेंगे. नो, इट इज योर चॉइस. एक लूप में ध्यान रखना है, मे एंटी क्लॉकवाइज मे बी क्लॉकवाइज, नो प्रॉब्लम. तो मैं चलना शुरू करता हूँ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज. मैं एक एंड, अच्छा उससे पहले कि मैं चलना शुरू करूं और किरचॉफ के सेकंड रूल को बताऊं कि कैसे अप्लाई करते हैं, पहले इसका करंट देख लेते हैं. करंट कैसे है, देखो ये सेल है ना, सेल का करंट पॉजिटिव से शुरू होता है ना, पॉजिटिव से. कितना कहते हैं उसको, आई वन. तो इस लाइन में, एक लाइन में ना करंट एक को ही होता है. वो लाइन कौन सी है, डी से लेके ए तक एक लाइन है. इस सारी लाइन में एक ही करंट होगा I1, ठीक है, दो करंट नहीं होंगे. अब आते हैं इस आ जाओ इस पे, इस सेल पे. ये सेल भी अपना करंट देगा ना, I2 देगा. ये इसका करंट I2, तो ये लाइन D से लेके A तक है. इस सारी लाइन में भी एक ही करंट होगा जिसको आप I2 कहोगे, ऐसे. तो ये I2 करंट है. अब रहेगी ये वाली लाइन, तो करंट I1 ऐसे आ रहा है जंक्शन की तरफ, ये करंट भी ऐसे आ रहा है. तो ये करंट इकट्ठा होके यहाँ आ जाएंगे. यदि मुझे ये भी नहीं पता कि क्या होगा, मैं इसको I3 कह लेता हूँ अपनी तरफ से, या I कह लेता हूँ सिंपली, है ना, लेट दिस करंट इज I. तो यदि मैं किरचॉफ का पहला जंक्शन रूल लगाऊं यहाँ पे, तो करंट एंटर कौन सा कर रहा है, I1 एंटर कर रहा है, ये I2 एंटर कर रहे हैं. तो जो एंटर कर रहे हैं बराबर होंगे किसके, जो लीव कर रहे हैं. लीव कौन कर रहा है, I. तो I बेसिकली क्या होगा, I1 प्लस I2, वेरी सिंपल. अब देखो मैंने सारे करंट, तो कभी भी आपको सर्किट मिलेगा तो सबसे पहले आपने करंट मार्क करने हैं उस पर. तो मैंने करंट मार्क कर लिए, तो अब मैं पहले लिखूंगा कि मैं ये लूप ले लेता हूँ, ये वाली है ना, इसमें मैं एंटी क्लॉकवाइज
स्टार्ट करूंगा चलना। ध्यान रखना एक पॉइंट स्टार्ट कर लो, सी मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, वहां से तुरो और चलते हुए वहीं वापस पहुंचो। तो मैं सी से यहां से शुरू करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है कि वोल्टेज दो तरीके से होती है, एक तो ओम्स लॉ से होती है, एक वोल्टेज सेल की ईएमएफ होती है। तो मैं एक तरफ यदि सेल आएंगे, कोई सेल आएगा उसकी ईएमएफ होगी, तो मैं यहां लिखूंगा राइट की तरफ, करंट रेजिस्टेंस वाली वोल्टेज में लेफ्ट की तरफ लिखूंगा। और एक कन्वेंशन का ध्यान रख के, कन्वेंशन ये है जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया चलना, तो आई वन आर वन, ये करंट उसी डायरेक्शन में, देखो मैं ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा हूं, तो ये करंट भी मेरी डायरेक्शन में ही चल रहा है। यदि करंट मेरी डायरेक्शन में चलेगा दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, तो आई वन आर वन वोल्टेज पॉजिटिव होगी। आगे चलो, तो आगे सेल है, पर सेल नहीं हमें लिखना, पहले करंट रेजिस्टेंस लिखना है। मैं यहां पहुंचता हूं ना आर टू पे, करंट मैं चल रहा हूं ऐसे, करंट आ रहा उल्टा आ रहा ना, मैं ऐसे चल रहा हूं उल्टा आ रहा, तो माइनस ये वोल्टेज हो जाएगी आई टू आर टू नेगेटिव। अब कोई और है रेजिस्टेंस इसमें सर्किट में? नहीं है ना, नो रेजिस्टेंस, तो ये हो गया काम खत्म। अब इक्वल्स टू, अब मैं आता हूं सेल पे। तो जैसे मैं चल रहा हूं, तो यदि सेल का पहले नेगेटिव पोल आ जाता है तो मैं उसको पॉजिटिव में लिखूंगा उस ईएमएफ को, तो ईएमएफ टेकन एज पॉजिटिव। तो मैं आगे चल रहा हूं ऐसे, तो अब सेल का पॉजिटिव आ गया है ना, मैं ऐसे चल रहा था तो पॉजिटिव पहले आ गया, तो मैं माइनस लिखूंगा ई वन माइनस ई टू। बस आगे कोई और सेल है ही नहीं है सर्किट में, वह खत्म हो गया। यदि सेल का नेगेटिव पोल कम्स फर्स्ट टेकन एज पॉजिटिव, पॉजिटिव पोल कम्स फर्स्ट नेगेटिव, उल्टा है, नेगेटिव आएगा तो प्लस में लिखना है, प्लस पोल आएगा तो माइनस में लिखना है। ये करंट रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा यदि तुम्हारी डायरेक्शन है, उल्टी डायरेक्शन करंट की आ गई तो माइनस में। बस तो अब चलो मुझे ये दूसरी लूप में ये ले लेता हूँ है ना, ये वाली, इसमें आप बताइएगा कैसे करोगे। हाँ कहीं से शुरू कर लो, मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो आपका ही डायरेक्शन है ना, तो आई टू आर टू पॉजिटिव। तो आगे चलो, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ आ गए, तो यहाँ करंट, आप देखो आप यहाँ ऐसे चल रहे हो, करंट भी आपकी डायरेक्शन में ही आ रहा है, तो क्या होगा प्लस, करंट कितना है आई वन प्लस आई टू मल्टीप्लाइड बाय ये रेजिस्टेंस आर। आगे देखो कोई और रेजिस्टेंस है सर्किट में? नहीं है, वहीं पहुंच गए वापस। बस इसकी कहानी खत्म हो, इक्वल्स टू। अब आते हैं आप सेल में, आप ऐसे चल रहे थे ना क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, सेल का नेगेटिव पोल आ रहा था पहले है ना, ये वाला, तो ये ईएमएफ कितनी ई टू, द नेगेटिव पोल कम्स फर्स्ट, तो उसको आपने प्लस में लिखना है। बस और कोई सेल है ही नहीं है सर्किट में, काम खत्म। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, अपना आप ये पूरा ही सर्किट ले लो टोटल में मैं यहां से शुरू करता हूँ, वही एंटी क्लॉकवाइज, करंट रेजिस्टेंस आपकी डायरेक्शन में ही आ रहे हैं, आई वन आर वन पॉजिटिव, ठीक है। आगे चलो चलो चलो, सेल को बाद में लेंगे, आगे चलो चलो चलो, यहां पहुंच गए, ये भी आपकी डायरेक्शन है, प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है आर कैपिटल आर। अब कोई और है रेजिस्टेंस? नहीं है, बस काम खत्म, इक्वल्स टू पे आ जाओ। अब आओ सेल पे, तो सेल आप ऐसे चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, सेल का नेगेटिव पहले आ जाता है, तो ई वन पॉजिटिव। कोई और है सेल? नहीं है, बस इक्वेशन पूरा हो गया, काम खत्म। तो ये था किरचॉफ का लॉ लिखना, वेरी इजी, ठीक है।
अब ये है देखो, इस इसको सॉल्व करना आपने, तो कैसे सॉल्व करोगे? मैं हिंट बता देता हूँ, ये है तो इसका ये है ना पॉजिटिव, पॉजिटिव से करंट शुरू होगा इसका, तो इसको करंट को कह लो आप आई वन। अब ये भी पॉजिटिव है, इसका करंट ऐसे होगा, इसको कह लो आई टू। तो मैं पॉजिटिव से ये करंट की लाइन, इस सारी लाइन में करंट क्या है आई वन, इस सारी लाइन में करंट क्या है आई टू, बट व्हाट अबाउट हियर, है ना? इस लाइन में हमें पता नहीं, तो ना पता है कि डाउनवर्ड होगा ना पता अपवर्ड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस कोई भी डायरेक्शन ले लो, चाहे अप चाहे डाउन, आई थ्री। आपको कि हम कैसे पता करें कि गलत भी तो हो सकता है? नो, देखो यदि हमने एरो अप ले लिया ना, तो आई थ्री कह दिया, हमने सर्किट को सॉल्व किया, तो एंड में यदि रिजल्ट में आई थ्री की वैल्यू माइनस में आंसर आ गया इन नेगेटिव, तो हमें वो आंसर बता देगा कि करंट एक्चुअली ऐसे नहीं फ्लो कर रहा जैसे आपने बताया, ऐसे वो उल्टा फ्लो कर रहा है। तो हमें कोई इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आंसर हमें बता देगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इस लाइन की डायरेक्शन तो पता ही है, इसकी भी पता ही है, इसकी नहीं पता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आप किरचॉफ लॉ लिखोगे, है ना? तो आपने किरचॉफ लॉ ऐसे लिखना है कि एक बार इस सेल का भी आना चाहिए, ये सेल जो 45 वोल्ट का है, एक इस सेल का ईएमएफ आना चाहिए, एक का एक थर्ड इक्वेशन भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो। तो पहले मैं शुरू करता हूँ, क्लॉकवाइज चलूँ या एंटी क्लॉकवाइज, बोलो? क्लॉकवाइज चलना है, चलो हम ऐसे चलते हैं। तो करंट रेजिस्टेंस को लेते हैं पहले, ये करंट हमारी डायरेक्शन में है, तो मैं कहूँगा आई वन इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है वन, आगे आ गया 40 ओम इंटू करंट कितना है आई वन, आगे चलो और क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये करंट हमारी डायरेक्शन में ही जा रहा है, ओके ये भी हमारी डायरेक्शन है 30, करंट कितना आई थ्री इज इक्वल्स टू, अब आ जाओ क्योंकि और तो कुछ है नहीं है, अब सेल पे आ जाते हैं। अब हम ऐसे चल रहे हैं तो नेगेटिव पोल पहले आ रहा है, तो 45 वोल्ट पॉजिटिव में आ जाएंगे, तो एक इक्वेशन ये बन गई। हम आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन में, अब यहाँ देखो इसमें मैं चला था क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मैं शुरू करता हूँ यहाँ से लिखना, तो आई वन एन टू वन, ठीक है, आगे 40 इन टू अगेन आई वन, आगे चलो हम ऐसे चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं, इसको अभी रहने दो, यहाँ आ गए ना, ये भी हमारी डायरेक्शन है क्योंकि हम ऐसे चल रहे थे, हमारी डायरेक्शन है, तो प्लस आई टू इन टू वन, ये भी वन ओम है क्या, और ये करंट ये सारी लाइन एक की है, तो यहाँ 20 है, प्लस 20 इंटू करंट कौन सा है आई टू, बस और कुछ नहीं है, इक्वल्स टू। अब सेल पे आ जाओ, हम ऐसे चल रहे थे ना ऐसे, सेल का नेगेटिव पोल पहले आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा 45 को प्लस में, और चलते 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 ये भी नेगेटिव पहले आ रहा है, तो प्लस क्या लिखूंगा मैं 80, बस ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आपको ना सॉल्व करना है आई वन कितना होगा, आई टू कितना होगा, आई थ्री कितना होगा, दो इक्वेशन तो ये लिख दी है, एक इक्वेशन को आपको और लिखना पड़ेगा, तीन इक्वेशन बनेंगी ना, तीन अननोन क्वांटिटीज हैं, तो आपको तीन इक्वेशन चाहिए तभी सॉल्व होगी ना वो आई वन आई टू आई थ्री। तो मैं तीसरी इक्वेशन, मैंने एक लूप ये वाली ली थी, एक ये ली, अब मैं एक टोटल ले लेता हूँ, टोटल, ठीक है, टोटल को मैं ट्रेवर्स भी ऐसे करता हूँ लाइक लेट क्लॉकवाइज, तो मैं शुरू यहां से कर लेता हूँ,
तो करंट, ये जो I3 करंट था ये मेरी डायरेक्शन में, 30 I3 पॉजिटिव में आएंगे ना। चलो आगे 20 पे आ गए ना, यहाँ पे 20 में करंट क्या है, I2, और उल्टा आ रहा है, हम ऐसे आ रहे हैं, करंट ऊपर जा रहा है, तो माइनस 20 एंड I2। और फिर आप आगे आ रहे हो इधर, अब ये भी करंट ऐसे आ रहा है, हम ऐसे आ रहे हैं, उल्टा है ये भी, तो अगेन I2 इंटू 1। ठीक है, फिर आप आगे आए आगे आए आगे आए और कुछ, फिर वो ये 30 पे आ गए, बस काम खत्म। तीन रेजिस्टेंस थे, 1 2 3, 1 2 3 का काम पूरा हो गया। इज इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू सेल पे आएंगे। तो ऐसे चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, तो कोई सेल नहीं आया, कोई सेल नहीं आया, सेल का पॉजिटिव आ गया पहले, है ना। ऐसे चलते चलते सेल का पॉजिटिव आ गया, तो क्या मैं लिखूंगा, -80। बस अब एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, इनको कर लेना सॉल्व, और मुझे ना बताना कि आपका I1 क्या आएगा, I2 क्या है, I3 क्या है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देना, सॉरी कमेंट्स बॉक्स में, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर ठीक है कि गलत। ठीक है, कर लोगे नहीं, ओके। एक और एक्सरसाइज है कि जैसे ये सर्किट है, वेरी सिंपल, इसमें जैसे ये सेल है E1, इसका आप करंट कह दो कि I1 है, इस सारी लाइन में करंट एक ही होगा ना, ओके। और एक ये सेल है, इसका करंट होगा I2, इस सारी लाइन में करंट एक को ही होगा I2, इस सारी लाइन में यहां से लेके यहां तक करंट एक ही होगा I1। अब आते हैं इस लाइन में, इस लाइन में करंट, अब यहां पे सपोज आप IB कह दोगे, जंक्शन रूल लगाओगे, I1 I2 एंटर हो रहे हैं, इक्वल्स टू जो यहां पे आएगा, तो उसको आप कह सकते हो कि यहां पे I1 प्लस I2 हो जाएगा, है ना, यहां से I1 यहां से I2 यहां I1 प्लस I2। तो आपको तो ये आपकी एक्सरसाइज है नंबर वन, एक लूप आपने ये लेनी है ये वाली, दूसरी लूप आपने ये लेनी है, तीसरी लूप आपने टोटल लेनी है। तो 1 2 3 में आपने लिखने हैं क्या, इक्वेशन स्केच ऑफ कॉल सेकेंड रूल, एक लूप में, दूसरी लूप में, तीसरी टोटल में, तो मुझे लिख के बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, अच्छा एक नहीं, ये सर्किट है, वो कहते हैं ये सर्किट में यदि मैं बैटरी लगा देता हूं यहां पे, मतलब वो कहते हैं इस पॉइंट में और इस पॉइंट में ना रेजिस्टेंस बताओ, डायगनल डायगनली पॉइंट्स में, तो मैं यदि यहां पे एक सेल लगाता हूं पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, तो हर एक रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल आ रहा है हर एक लाइन का, तो करंट इसमें कैसे डिवाइड होगा, आप ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सारा सिमेट्रिक सर्किट है, डायगन यदि मैं ये पॉइंट लेता हूं उसके अकॉर्डिंगली ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मैं ना कि यदि करंट जितना भी आएगा ना यहाँ पे, तो उसके तीन बराबर बराबर हिस्से होंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, तो मैं इसे सपोज 6I कह लेता हूँ, तो 2I ये हो जाएगा, 2I ये हो जाएगा, 2I ये हो जाएगा, क्योंकि सर्किट सिमेट्री है, 2I यहाँ पे आता है, तो वो दो हिस्से में बंटेगा, I यहाँ हो जाएगा, I यहाँ हो जाएगा, I प्लस I 2I। अब 2I ये आ रहा है, 2I जब यहां पहुंचता है तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं, I यहां पे चला जाता है और I यहां पे चला जाता है। ठीक है, अब 2I यहां आ रहा है, जब वो यहां पहुंचेगा तो I और I उसके दो हिस्से हो जाएंगे। अब देखो I करंट ऐसे आ रहा है, यहां से करंट I आ रहा है, I और I मिलके इस तरफ क्या बन जाएंगे, 2I,
है ना। अब देखो यहाँ करंट आई आ रहा है, यहाँ करंट आई आ रहा है, ये दोनों करंट इकट्ठे होके यहाँ कितने हो जाएंगे, 2i। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि यहाँ से करंट आई आ रहा है इस लाइन में, इस लाइन में भी करंट आई आ रहा है, तो आई और आई इकट्ठे होके क्या हो जाएंगे, अगेन 2i। अब इस पॉइंट में तीन लाइन आ रही थी, एक ये, एक ये, एक ये, यहाँ से भी करंट 2i आ रहा है, यहाँ से भी करंट 2i आ रहा है, यहाँ से करंट भी 2i आ रहा है, टोटल करंट यहाँ फिर कितना बन गया। ठीक है, टोटल करंट बन गया अगेन, मैं सॉरी, मैंने ये पॉइंट जो यहाँ लगाया ना, ये एक्चुअली इट इज़ कनेक्टेड हियर। ठीक है, तो यहाँ से 2i आ रहा है, यहाँ 2i आ रहा है, यहाँ 2i, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया फिर 6i। तो 6i करंट यहाँ से शुरू हुआ था बैटरी से, और 6i करंट ही यहाँ से सर्किट से, सर्किट के जो डायगनली पॉइंट्स हैं वहाँ से 6i ही वापस हो गया। ठीक है, ऐसे वापस हो गया, तो हमारा सर्किट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। अब देखो आपको इसको सॉल्व करना है कि इन दोनों पॉइंट में रेजिस्टेंस क्या होगा। तो एक तो आप इसको कह दो EMF E, तो इस EMF की कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो, है ना, कुछ भी हो सकते है इसका EMF की वैल्यू ना। ओके, तो मैं किरचॉफ को लॉ लिखना चाहता हूँ इस पॉइंट और इस पॉइंट में, ये मैं कोई भी पाथ ले सकता हूँ, ये पाथ ले सकता हूँ ऐसे, ये पाथ ले सकता हूँ यहाँ से, यहाँ से ये, इस पॉइंट के लिए ये वाला पाथ ले सकता हूँ, कोई मर्जी ले लो। तो मैं सपोज ये पाथ ले लेता हूँ, ठीक है। तो करंट क्या, इसमें करंट कितना है, इसमें करंट कितना था 2i, तो मैं क्या लिखूंगा 2i इंटू रेजिस्टेंस कितना R, फिर करंट, फिर यहाँ से जाके यहाँ पे ये करंट कितना है आई, ये मेरी डायरेक्शन में ही है ना, मैं भी ऐसे ही चल रहा हूँ, ठीक है, तो आई इंटू आर, फिर ये मतलब मैं भी ऐसे ही चल रहा हूँ, करंट भी ऐसे ही है, ये करंट कितना है यहाँ पे 2i प्लस 2i इंटू आर, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू, तो मैं ऐसे चल रहा था, ऐसे चलते 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 सेल का नेगेटिव पोल पहले आ गया, तो मैं इज इक्वल्स टू ई कर दूंगा, राइट। अब दोबारा देखो, मैं कहता हूँ कि ये सारा कुछ ना ये है ही नहीं है, इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट में उसकी वैल्यू है कैपिटल आर, ठीक है, तब क्या होगा, तब हम कहेंगे ये जो ई है वो काहे के इक्वल होगा 6i, करंट कितना है 6i, 6i रजिस्ट, ये तो है ही नहीं ना, इक्वल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, 6i इंटू कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा 6i इंटू कैपिटल आर। अब दोनों ई ई बराबर है, इसको इसको इक्वल कर दो, ये कितने हैं 2, 3 एंड 5, 5 IR इज इक्वल्स टू 6 IR, ठीक है, II कैंसल्स, तो R कितना हो जाएगा 5/6 R, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 5/6 इंटू स्मॉल R, ये रेजिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स में। तो वेरी सिंपल, इसको मेरी वीडियो, इसको ना इस वीडियो को एक बार फिर देखो, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो लास्टली आई एम कमिंग हियर, ठीक है, तो ये ना एक इनफाइनाइट नेटवर्क है, हमने रेजिस्टेंस बताना है दोनों पॉइंट में क्या होगा। इनफाइनाइट नेटवर्क का मतलब पता क्या होता है, कि जैसे आगे आगे ना, जैसे ये सर्किट आगे चलता जा रहा है, इसका एंड कोई नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएगा ये, तो बड़ा मुश्किल लगता है ना कि क्या रेजिस्टेंस होगा फिर, इतना इनफाइनाइट है ये तो कितना होगा, पर हो जाता है सॉल्व, पता है कैसे, देखो एक देखना पड़ेगा कि ये सर्किट बना कैसे, ध्यान से देखो, ये सर्किट बना है इस एलिमेंट से, 1 ओम 2 ओम एक एलिमेंट,
दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट एंड इनफाइनाइट एलिमेंट। तो ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स का मैं रेजिस्टेंस कह लेता हूँ अपनी तरफ से कैपिटल। तो यदि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, मैं उसमें एक एलिमेंट और भी ऐड कर दूँ, ये वाला एलिमेंट एक और ऐड कर दूँ ये, तो उसकी वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, फिर वो तो आर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये इनफाइनाइट को मैं कह रहा हूँ कि आर है दोनों पॉइंट में ना, आर। यदि मैं एक एलिमेंट उसमें और ऐड कर देता हूँ तो फिर भी वो आर ही रहना चाहिए, बस मैं इसी को यूज करूँ। देखो इनफाइनाइट को मैंने कह दिया आर, एक एलिमेंट और ऐड कर दिया, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट में रेजिस्टेंस कितना हुआ, वन ओम प्लस ये दो पैरेलल में, टू इंटू आर अपॉन टू प्लस आर, ठीक है, ये इन दोनों पॉइंट में हो गया ना। तो ये किसके बराबर होगा, ये फिर आर के ही बराबर होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब होता है तो कोई एंड ही नहीं है ना, उसमें एक और भी ऐड कर देते हो तब भी रिजल्ट वो ही रहना चाहिए आर। मैंने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, रिजल्ट शुड नॉट चेंज, बस। अब इसको सॉल्व कर लो, आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी, वन प्लस टू आर अपॉन टू प्लस आर इज इक्वल्स टू आर। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक से आर की दो वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देना, पॉजिटिव वैल्यू ठीक होगी, तो रिजल्ट आपका फिर टू ओम ही आ जाए, करके देख लेना। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, नेगेटिव को छोड़ देना है, पॉजिटिव को ले लेना, मतलब 6 वोल्ट के साथ ये सारे नेटवर्क का रेजिस्टेंस क्या है, सिंपल 2 ओम। तो ये बैटरी कितना करंट देगी नेटवर्क को, ये बैटरी करंट देगी 6/2 मतलब 3 एम्पीयर। मतलब यहाँ से यदि मैं कहूँ कि करंट कितना स्टार्ट होगा, 3 एम्पीयर, तो पहले रेजिस्टेंस में तो इसमें तो ये जाएगा ही 3 एम्पीयर, इसके आगे बढ़ेगा, वो इसमें बढ़ेगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये था इस सर्किट का हाल चाल। सो ओके, थैंक यू, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत आपको समझ आई होगी, यदि नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मेरा नंबर नोट कर लो, 9888169226, इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू।